हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नैचर रिचुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आने वाले हैं मेरे घर से मेरी भैया, भाभी, मम्मी, भतीजे, भतीजी सब जने आने वाले हैं। एंड और आज ही रात को हम निकलेंगे गांधीधाम के लिए, क्योंकि मेरी बुआ जी के मतलब बेटे की बेटी हुई है, उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। एंड आपको सब दिखेगा, पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो चैनल पे बने रहिए एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब मजे आने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये नेक्स्ट डे है और गुड मॉर्निंग सभी को। हम निकल चुके हैं यहाँ से गांधीधाम के लिए। एक्चुअली वीडियो में थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा उजाला नहीं था। हम लोग 5 बजे घर से निकल लिए थे एंड अब दिन की शुरुआत करते हैं, जो भी होगा आपको बताते चलेंगे। मुझे तो पता ही नहीं थी भाई, हमें मेहसाना से निकले हुए 4 घंटे हो चुके हैं, भोर हो चुकी है अच्छे से। हाँ, भोर हो चुकी है, सूर्य क्या कहते हैं उदय हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है। ये हमारी माता श्री बैठी है फ्रंट सीट पे, इधर भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, इधर भाभी जी बैठी हैं, उधर छोटे वाले भैया बैठे हैं पीछे। तो ये हमारे बच्चे हैं, इनकी शक्ल पे मत जाना, ये इनके अंदर दरिंदगी भरी हुई है। भैया पहले विंडो बंद करो। मम्मी कहाँ जा रही हो? गांधीधाम जा रहे हैं बुआ जी के यहाँ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सस्सी बुआ जी के यहाँ चलो। कल ये कैसे रुक गया स्टेज एकदम? हमारे सारे बच्चे रास्ते में बीमार हो रहे हैं, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है। चले चलो, इसको अंदर कर, सरकार आ रहे हैं। ये दिक्कत होती है लोगों के साथ, ये गलत सुन रही हूँ। मतलब 5 वाली सवारी में 2 आओ तुम। संजू तो गोदी में ले लो ना, शिल्पी को, शिल्पी को गोदी में ले लो, इसको बड़ा प्यारा है गोदी में ले लो। नाइचू को ना पीछे भेज दो, लाओ सालो। हां तो एक बार में उस टाइम डराने लगी इसे, तो मम्मी ऐसे रहने दो। चलो भैया आप गाड़ी चला दो, ये देखती रहेगी। तू एक काम कर, तू शिल्पी को पीछे ले ले अपने पास। क्यों ले ले दीदी? अपनी गोदी में घबराहट हो गई तो मेरे को पीछे। ओ, ट्रैक्टर आ गया। ओ, माता बनी हुई है इस पे गाड़ी पे। जय माता की जय, संग संग निसरकार। ओ कन्हैया दा, ननू हम कहाँ आ गए? ननू कहाँ आ गए? अपने कमरे में, अपने घर में। मेरे साथ रहना अब, मैंने मेरे गीते भी लिया के पड़ा है, जो ताला लगा था कोई नहीं करा। यहाँ हम लोग आ चुके हैं, अभी घूम में है, उसके बाद अभी नहाएंगे रोएंगे, फिर उसके बाद शाम को पार्टी है। हेलो, कैसे हो? हाँ शिल्पी, बहुत गंदी आदत है तेरी, लड़के के लगा दी। नहीं अब हम निकल लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सुबह 5 बजे के चले हुए थे। यहाँ पे बुआ जी ने ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम सारा करके रखा हुआ था, काफ़ी उनके भी गेस्ट थे और हमारे आगरा से भी काफ़ी जने आए हुए थे। तो बस यहाँ पर मैं और मेरी भाभी देख रहे थे कि कहाँ पर स्टॉल लगा रखा है खाने का। ये मेरा भाई मम्मी को देने जा रहा है। दो जोड़ी, एक जोड़ी खाली स्पेयर में लेके आए हैं, वैसे एक जोड़ी यहाँ के लेके आए।
एक जोड़ी इस पेयर में लेके आए और एक जोड़ी हमारी रखी ये आदमी वो आदमी है जिसको दो पैसे का दो डीले का अकल नहीं है और इसको खैर रिश्ते में मेरा भाई कहते हैं एक ही माँ की औलाद है अंदर बहुत है अरे तो मुझे बताए तू क्या कह रही है पापा की गली मुझे दे दो मेरी लुई अरे मेरे को दे दो ना मुझे दे दो नहीं अरे मुझे दे दो अरे नहीं नहीं मामा लड़ो नहीं दे दो मामा मामा लड़ो नहीं गंदे बुंडे से मामा देख करे स्कूल में बहुत दौड़ते हो ना दौड़ते हो वहाँ से झूले के लिए ये हम वहाँ पे रूम में बैठे बैठे बोर हो रहे थे सोचा बाहर ही निकल लेते हैं तो यहाँ हमारी टोली निकल ली है बाहर गांधीधाम की गलियों में हेलो गाइस इसके अलावा कुछ आता है हेलो गाइस के अलावा सब बच्चे भी करती है हाय हेलो गाइस आज मैंने बंदर देखा मंकी हेलो गाइस आज मैंने बंदर देखा मंकी हाय गोलू मैं तेरी हूं हो गए रेडी सब हां दीदी चलो फिर लो पर्स रख लो ये जमना कहां है आने पर्स आपका वाला हम वेन्यू पे आ गए मगर वेन्यू पे कोई नहीं है हमारे से वहाँ भाई जब देखिए हमारे घर वाले तैयार हो चुके हैं वेन्यू पे अभी तो कोई नहीं आया हमारे अलावा मम्मी सो जल्दी जल्दी हमको जाना था हमने सोचा था टाइम से निकल लेंगे तो चलिए केक कटिंग सेरेमनी शुरू करते हैं फिर रेडी 1 2 3 गो रात के 11:30 हम लोग रात को ही यहाँ से वापसी हो चुके थे क्योंकि संजय को सुबह ऑफिस जाना था तो संजय छुट्टी नहीं ले सकते थे क्योंकि काफ़ी मम्मी के टाइम पे भी संजय की बहुत सारी छुट्टियाँ हो चुकी थी तो इस वजह से छुट्टियाँ संजय को नहीं मिल रही थी तो हम रात को ही वापसी हो लिए थे एंड
हम पहुँचे थे रात को 3:30 बजे घर पे, क्योंकि इसका वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ इसलिए। एंड ये देखिए एकदम अंधेरा ही अंधेरा, और बच्चों ने रात को मतलब सीट पे सोने के लिए ना हमको इतना दुखी कर दिया था। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरी फैमिली के साथ आपको ये बहुत सारी मस्ती सब धमाल देखने को मिलेगा। एंड आगे आके देखते जाइए, वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री मन्नारायण।